प्रधानमंत्री ने भारत के अंदर अर्जेंट हाई लेवल मीटिंग कॉल की है यूक्रेन को लेकर, क्योंकि मामला बढ़ता जा रहा है। खास बात यह है कि ये मीटिंग प्रधानमंत्री ने सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस की तरफ से देख के की गई है यूक्रेन को लेकर। मतलब ये होता है यूक्रेन की वजह से भारत के ऊपर जो सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस आएंगे उनके लिए ये मीटिंग की गई है। रशिया ने आज के दिन एक बहुत बड़ा काम कर दिया है, उन्होंने पोलिश बॉर्डर के आसपास में रॉकेट्स फायर कर दिए हैं जो कि नेटो कंट्रीज के बिल्कुल नजदीक गए। रशिया का असली झगड़ा यूक्रेन को केवल इसलिए था क्योंकि यूक्रेन नेटो कंट्रीज के साथ में शामिल होना चाहता था, रशिया इसको बर्दाश्त नहीं करता। समय आने पर नेटो ने कहा कि हम रशिया के साथ डायरेक्ट फाइट नहीं कर सकते, इसलिए हम यूक्रेन को अपना इक्विपमेंट प्रदान करेंगे। अब नेटो कंट्रीज द्वारा जो इक्विपमेंट प्रदान किया जा रहा है उससे रशिया को बड़ी परेशानी हो रही है, उसके सैनिक मारे जा रहे हैं और रशिया यह कह रहा है कि इसको हम डायरेक्टली अपने ऊपर हमला मानते हैं। यह मैप यूक्रेन का है और रशिया यहां से इन्वेजन कर रहा है, यानी कि वो अभी तक यहीं तक ही सीमित था, मगर आज क्या हुआ है, उसने सीधा यहां पर अटैक कर दिया। रॉकेट्स फायर किए गए और पोलैंड के बहुत ही नजदीक 15 किलोमीटर नजदीक जाकर गिरे और थोड़ी सी आगे जाकर पोलैंड भी निशाना बन सकता था जो कि नेटो का मेंबर है। रशिया का यह कहना है कि दूसरी तरफ से जितने भी इक्विपमेंट यहां पर सप्लाई किए जा रहे हैं इनको हम निशाना बनाएंगे और इनको उड़ाएंगे, और जो काम रशिया ने अभी किया है उसके बाद में 35 लोग मारे गए हैं एयर स्ट्राइक्स के अंदर, और बताया जा रहा है कि इसके अंदर नेटो के पीस कीपिंग फोर्सेस के इंस्ट्रक्टर्स भी थे। मतलब ऐसे लोग और नागरिक थे जो कि नेटो कंट्रीज के हैं और वो वहां पर इक्विपमेंट जो दे रहे थे उसको चलाने का प्रशिक्षण दे रहे थे यूक्रेनियन आर्मी को और वहां के लोगों को। अमेरिका के प्रेसिडेंट बिडेन ने आज सुबह ही ये कहा था कि नेटो और रशिया के बीच में अगर लड़ाई हुई तो इसको समझ लेना ये वर्ल्ड वॉर 3 बन जाएगा। ये जो खबर है इस प्रकार से थी कि रशिया नेटो के ऊपर अटैक ना करे, मगर रशिया ने इसके ठीक कुछ देर बाद में अटैक कर दिया और उसने कहा कि तुम्हारे मानने से मैं ये नहीं मानता कि तुम डायरेक्टली हमारे साथ इन्वॉल्व नहीं हो, तुम्हारे इक्विपमेंट अगर हमें मार रहे हैं इसका मतलब वो हमारे स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं। सिचुएशन जो बन गई है उसके बाद में अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन आती है तो अभी तक भारत का जो तटस्थ रवैया था वो तटस्थ नहीं रह पाएगा। दोनों ही तरफ से बहुत बुरी तरह से प्रेशर बनेंगे। अभी तक हमने देखा कि नेटो और रशिया दोनों ही गलत है कहीं कहीं पर। 24 फरवरी को जब ये युद्ध की शुरुआत हुई उसके पहले 16 फरवरी को नेटो की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर क्या स्टेटमेंट आता है, वो ये कहते हैं कि यूक्रेन की जो सिचुएशन है उसको लेकर हम चिंतित हैं और चिंता का कारण यह है कि यूक्रेन के आसपास में जो रशिया का मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। अब इस बात को समझिए कि रशिया भी यही बात को लेकर यूक्रेन को धमका रहा था, मगर उसकी बात और इसकी बात के अंदर कोई अंतर क्यों नहीं है। ये जो नेटो का फॉर्मेशन हुआ था ये यूएसएसआर के खिलाफ हुआ था, उसको घेरने के लिए कि अगर इसने किसी के ऊपर अटैक किया तो हम सब मिलकर इसको जवाब देंगे। अब आज के समय में यूएसएसआर तो है नहीं, केवल रशिया है और रशिया ये कहता है कि नेटो हमारे आसपास में मिलिट्री का जमावड़ा ना करे। ढंग से देखिए, दोनों की एक ही कंडीशन थी, एक ही कंसर्न था, मगर हर कोई ये कह रहा है कि मैं ही ठीक हूं, सामने वाला गड़बड़ है। रशिया ये कह रहा है कि इन कंट्रीज को तुमने नेटो का मेंबर बना लिया, यानी कि यहां पर तुम्हारी मिलिट्री जमा हो गई, और ये जो जमावड़ा है ये रशिया के बिल्कुल बॉर्डर के पास में है जिसको लेकर रशिया बहुत ज्यादा चिंतित है, उसी के साथ में यहां पर ये यूक्रेन आ जाता है। नेटो का जो मेंबर बनेगा वहां पर नेटो की मिलिट्री आएगी। रशिया यही कह रहा था कि नेटो का मेंबर ना बने यूक्रेन, हमसे दूरी बनाकर रखे नेटो, मगर ये बात उन्होंने मानी नहीं। मतलब रशिया ये कह रहा था कि अमेरिका को कि तुम अपनी मिलिट्री का जो जमावड़ा है वो यहां तक कर रहे हो, अगर तुम आगे यहां पे लेके आ जाओगे तो मेरे लिए कंसर्न है, और अमेरिका ये कह रहा था रशिया को कि तुमने यहां पर जो मिलिट्री का जमावड़ा कर लिया है इससे हमारे को समस्या है। अमेरिका अपने हर टैक्टिक्स को यूज कर रहा है रशिया के खिलाफ, और ये समझा जा सकता है कि रशिया भी अमेरिका के खिलाफ यूज करेगा जिसमें बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर आने की संभावनाएं बनती जा रही है। यूएनएससी के अंदर यह मामला कल ही गया है और यहां पर भारत ने अपना रुख साफ करते हुए बोला कि जो कन्वेंशन के रूल्स हैं आप उसको फॉलो करिए, मगर फॉलो करने को कोई तैयार ही नहीं है। कुछ समय पहले सारे कह रहे थे कि चाइना ने वायरस को फैलाया है और वहां पर उसकी लैबोरेटरीज की तहकीकात होनी चाहिए, चाइना मान नहीं रहा था। अब वही की वही बात उल्टे तरीके से हो रही है कि रशिया ये कह रहा है कि यूक्रेन के पास में कुछ ऐसी गतिविधि है जो नहीं करनी चाहिए थी, मगर अमेरिका उनको परमिशन नहीं दे रहा कि इस प्रकार की गतिविधियों की जांच हो। भारत ने अपना रवैया इसके अंदर भी तटस्थ बनाया हुआ है और उन्होंने कहा है कि जांच करा लो, समस्या क्या है। अब भारत ने तो वो कन्वेंशन अकेले बैठ के बनाया नहीं, यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है और उसके हिसाब से अगर कोई ये चाहता है कि जांच हो जाए तो जांच कर लेनी चाहिए, इसके अंदर तरफदारी किसी की नहीं शामिल है। मगर ये जो मामला है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये बिल्कुल सामने आ चुका है, जो कंट्रीज ज्यादा पावरफुल है जिनके पास ज्यादा वोट्स हैं वो सामने वाले की बात मानने को तैयार नहीं है। कैसी विकट समस्या हो गई है। भारत बीच में फंस गया है कि जो नेटो और रशिया का झगड़ा है ये जस्टिफाइड तो
हम किसी का भी नहीं मानते, किसी के साथ नहीं है, मगर इसके इंप्लीकेशंस भारत के ऊपर भी आने वाले हैं। भारत किसी को गलत सही नहीं मानता, मगर ये बात बिल्कुल सही है कि भारत की अगर पहल होती है, ये मामला निपट जाता है, तो ही हम शांतिप्रिय तरीके से वर्ल्ड में रह पाएंगे। आपको भी ये समझना चाहिए कि हम किसी के तरफदारी ना करें, हम किसी के साथ किसी के खिलाफ नहीं है, हमारे रशिया के साथ ही नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स से मधुर संबंध है और हम केवल और केवल उसके साथ हैं जो कि शांति से रहना चाहता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।